नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब कांड के बारे में। मुरैना में जो घटना हुई है उसमें अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं। उन्होंने प्रथम दृष्टया वहाँ के जो कलेक्टर हैं, SP हैं, उनको हटा दिया। जो संबंधित विभाग के लोग थे, खासतौर पर जिला आबकारी अधिकारी, जो सहायक आबकारी अधिकारी थे, उनको भी हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है कई लोगों को। और अब ये भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर बड़े स्तर के अधिकारी नपेंगे और उनकी जो कार्रवाई है उसे लेकर कांग्रेस जरूर थोड़ा सा आपत्ति जता रही है। उसका कहना ये कि ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद ऐसी स्थिति न बनती, परंतु देर आए दुरुस्त आए, व्यवस्था तो हुई है, परंतु अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, बात कांग्रेस की करें। कांग्रेस से संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और आज हमने जिसको कहें निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने के लिए बुलाया है सतीश सक्सेना जी को, तो वो हमें बताएंगे कि ऐसी घटनाएँ क्यों होती हैं और इसके पीछे कारण क्या हैं और ये कब तक होती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीनरी या सिस्टम में भी कुछ खामी अभी भी बनी हुई है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल आपसे परिहार साहब, के ये जो घटना हुई है मुरैना की, इससे पहले उज्जैन में भी हो चुकी है, कांग्रेस का अब इस पर क्या रुख है? क्या है प्रकाश जी, ये सीधे सीधे जो है प्रशासन की नाकामियाँ कमी हैं। जो कि निचले स्तर पर क्या है कि जो दलालों से जो गिरे हुए हैं, नीचे जो दलाल टाइप के लोग अवैध शराब का जो नीचे बैठवाते हैं, सड़क एरियो बैठवाते हैं, और सीधे सीधे इनका क्या है कि महीना बंधा हुआ है और इसमें जो प्रशासन ध्यान दे नहीं पाता, थोड़े छोटे स्वार्थों के चक्कर में इतने लोगों की जान चली गई। और अभी जो है कार्रवाई करी है, कार्रवाई का इनके ऊपर क्या FIR होना चाहिए कि ये जो है कैसी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। देर आए दुरुस्त आए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कहीं को भी अभी भी क्या, इसके पहले उज्जैन में घटना हुई थी, अभी मुरैना में हुई, तो अभी आने वाले समय पर इस मामले में तो CM शिवराज ने बहुत संजीदगी से पूरे मामले को लिया और तत्काल कलेक्टर SP को भी हटा दिया, संबंधित जो अधिकारी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया, तो ये कार्रवाई तो कुछ ज़्यादा सख्त हो गई है, ऐसा नहीं दिखता आपको? देखिए प्रकाश जी, कार्रवाई सख्त हो रही है, होना भी चाहिए। 21 लोगों की दोबारा जो मौत हो गई, ये तो वापस नहीं आएगी ना। अभी पहले अगर प्रशासन सजग हो जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। चलो ठीक है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा जो अवैध शराब की बिक्री हो रही, अवैध जो हो रहा है, इसके अंदर रोक लगाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई, रासुका कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे वो हिम्मत नहीं कर सके। अभी तो क्या है कि उनको सस्पेंड कर दिया, अभी 5-6 महीने फिर वापस वो कर देंगे, इस पर फोर्स वो करना चाहिए, जांच करके कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सक्सेना जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं पत्रकार के नज़रिए से, कि ये घटना क्यों हुई है और कारण क्या क्या इसके पीछे निकल कर आ रहे हैं? नहीं, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इस पर जितना भी खेद व्यक्त किया जाए कम है, क्योंकि 23 परिवार जो हैं वो उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। अच्छा, सरकार ने ये बात आपकी सही है कि सरकार ने एक्शन लिया और एक्शन इस बार पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने एक्शन तत्परता से लिया और जमीनी स्तर पे लिया, यानी पूरे थाना के थाना पूरा अटैच करा। इस बार पहली बार हुआ है ये ऐसा कि पूरे थाने को उन्होंने अटैच कर दिया, हटा दिया सारे थाने वालों को, सस्पेंड कर दिया, आबकारी विभाग के अमले को पूरे को सस्पेंड कर दिया, DO एक्साइज को हटा दिया, SP को हटाया, कलेक्टर को हटाया। तो उन्होंने एक मध्य प्रदेश में बाकी आधा जो अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश तो की है कि भाई आप लोग अगर लापरवाही बरतते हैं और ये घटना इस तरह की घटती हैं तो जो है ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरे विचार में ये कार्रवाई स्थानांतर तक सीमित जो रहे ये गले नहीं उतरती है, क्योंकि आप ये देखिए झाबुआ साइड जाइए आप, तो वहाँ ये पैटर्न है, वह तो खुले में शराब बनती है और बिकती है और उनका तो पर्व मनाया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, अच्छा इसके पहले भी घटना आपके यहाँ मध्य प्रदेश में हो चुकी है, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएँ हो चुकी थी, उससे भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अच्छा, प्रशासन ये कहे कि उसकी जानकारी में नहीं है और ये हो रहा है, तो मैं ऐसे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रशासन की जानकारी में सब कुछ होता है,
शराब बनाने वाले भी उनकी जानकारी में होते हैं और शराब का व्यापार करने वाले भी उनकी जानकारी में होते हैं। तो इस पर जो है कोई एक ठोस नीति बना के, या तो इस तरह के ये लोग जो हैं जो ग्रामीण स्तर कैसे करें, जब आप शासन में जो लोग बैठे हुए हैं या जिला प्रशासन में बैठे हुए हैं उनके सामने मजबूरी ये रहती है कि सत्ता से जुड़े दल में वो शामिल हो जाते हैं लोग जो इस तरीके का कारोबार करते हैं। अभी जैसे आज ही आपने देखा होगा शिवपुरी में एक महिला मंडल की जो अध्यक्ष हैं उनके घर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। तो मतलब उन्होंने जो अंडरग्राउंड जो है टंकियां बना रखी थी शराब की, शिवपुरी की घटना है ये भी। तो कब तक मतलब उसको किया जाए बियर का, क्योंकि अधिकारियों पर तो यही लोग दबाव बनाते हैं। नहीं, इसका इसका स्तर इसका शासन को कोई समाधान निकालना चाहिए, या तो इनको कुटीर उद्योग जैसा कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि भाई अब ये बनाते ही हैं, आपके इतने विरोध दबाव के बावजूद, इतने प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद भी ये अवैध शराब बनती है, आप ये तो मानने को तैयार हैं कि नहीं? और ये झाबुआ साइड में चले जाइए, उस साइड में तो वहाँ उनका वो व्यवसाय ही ये है। नहीं, पर चलिए वो तो बना रहे हैं तो वो तो महुआ की बना रहे हैं। ये तो आप देख रहे होंगे कि स्प्रिट में उन्होंने जरा सा केमिकल मिलाया या केमिकल में चूहा मार दवा मिलाई और शराब तैयार। अब जब आप चूहा मार दवा आदमी को दोगे तो वो आज नहीं कल मरेगा ही मरेगा। इसका साहब कोई स्थायी समाधान जो है मेरे हिसाब से तो ये है कि सख्ती के अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं इसका। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को, आबकारी अमले को, उनको सजग रहने की आवश्यकता है। कहाँ इस तरह का संगठन से जुड़े लोग हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, उसको निकाल दिया। क्या बीजेपी संगठन के अध्यक्ष को इसमें पहल करनी चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई भी नाम सामने आए, जैसे आज ही शिवपुरी की मंडल अध्यक्ष का नाम आ गया तो उसको निकाल दिया पार्टी? मैं यही पूछ रहा हूँ कि सिर्फ निकालना ही काफी है या संगठन को लिखना चाहिए कि नहीं एक्शन उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए वैसे कायदे से। हाँ। उसके विरुद्ध जो है अब FIR दर्ज करके उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए पार्टी में भी जो अन्य लोग हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कि भाई इस तरह के कारोबार में आप लिप्त रहोगे तो ये होगा। और ये जिला तहसील कस्बा स्तर पर तो ये चीज़ें बड़ी आम हैं और ये होता है, और मैं समझता हूँ कि इसको कलेक्टर SP निपटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी कि ये कोई नई बात नहीं है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो कांग्रेस में जुड़ जाते हैं ऐसे लोग, और कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई शराब के नाम पर जहर बेच रहा है, तो ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है। अब चूंकि BJP की सरकार है लंबे समय से, आपकी भी रही 15 महीने, आपके लोगों को भी बीच में थोड़ा सा स्विच करने का मौका मिल गया था, पर आप फिर से BJP की आ गई और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या एक्शन रिएक्शन है इस पर? इस पर कांग्रेस का रिएक्शन ये है, मेरा भी मतलब मानना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे किसी की भी सरकार, इसमें प्रशासन को जो है इसमें जो पकड़ाते हैं इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कैसी ठोस से मतलब क्या कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे राजकीय कार्रवाई करना चाहिए, और जो भी नेता इसकी सिफारिश करे उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे जहर बेच रहे हैं ना, मौत का सामान बेच रहे हैं, और लोगों की जाने जा रही है, जाने इससे मेन जब तक 2-4-5 के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक टांगेंगे नहीं, जब तक वैसे ही चलता रहेगा। जहाँ तक नेताओं का आपने बोला, नेता लोग क्या है ये थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में ऐसे मौत के सौदागरों को जो पाल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा उससे अलग हटके जो है वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, कार्रवाई करना चाहिए। मैं किसी उसकी बात में, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि पहले समाज है वो है, उसके बाद सब कुछ है, तो ये ऐसे तो शराबबंदी ही हो जाना चाहिए कायदे में, तो वो तो खैर हो नहीं सकती, क्योंकि क्या है राजस्व का मामला है। अभी आपने कोरोना काल में देखा प्रकाश जी की लॉकडाउन सबके लिए 8 बजे तक था, लेकिन शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली हुई है। तो प्रशासन को थोड़ा सजग होकर इसमें कार्रवाई करना चाहिए, और निश्चित तौर पे जो है जिला प्रशासन, कलेक्टर, SP को विशेष ध्यान देना चाहिए। आबकारी वाले तो सीधे तौर पे दलाली करते हैं, हफ्ता बंधा हुआ है वहां से जाके पैसे नहीं। अब जैसे भोपाल की हम बात करें, आप भोपाल में रहते हैं, यहाँ जितने आबकारी के अमले के लोग हैं आपने देखा होगा 12-12 साल से जमे हुए हैं, और दूसरी जो दिक्कत है जो आप बता रहे हैं वो यही है कि वो ठेकेदारों से मिलकर, अवैध शराब विक्रेताओं से मिलकर, और सीधे सीधे पैसा लेते हैं और
ये अवैध काम कराते हैं, तो उसके चक्कर में फिर ये मौतें हो जाती हैं। राजी, सबसे बड़ी बात है कि जब अवैध शराब बिकेगी निश्चित तौर पर मिलावट होगी, क्योंकि कंपनी से नहीं लेके वहाँ खुद की शराब बनाएंगे, चूहा मार दवाई सारी जो है दवाइयाँ बहुत सी जो है हाँ केमिकल मिलाते हैं, मिला के बनाएंगे और पूरे आपके बेरसिए चले जाओ, बिल्किसगंज चारों तरफ चले जाओ, यहाँ भी जो है रोज के वो है। तो क्या स्थिति क्या है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले परिणाम और घातक होंगे, और ये जो है समाज के लिए बहुत गलत है। क्योंकि आने वाली जब लोग पीढ़ी जो है ना, युवा पीढ़ी शराब के उसमें जा रही है, तो जिसमें कांग्रेस इसमें क्या एक्शन ले रही है, विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी कि आप इस बात को जोर शोर से उठाएं। देखिए निश्चित तौर पर हमारे निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इस मामले में सजग होगी, जहाँ चारों तरफ जो अवैध शराब जो वो है उसके खिलाफ जो प्रशासन को सजग करेगी, अपना जो है विरोध दर्ज कराई, क्योंकि इतनी मौतें हो गई हैं, सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही, पहले चली जा रही। क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि शराबबंदी पर आप जोर देंगे और कैसे कम किया जाए शराब का विक्रय, इस पर फोकस करेंगे, परंतु आपके यहाँ भी नीतियाँ ऐसी बनी कि एक की जगह दो दो दुकानें खोल दी, एक देशी उसके बगल में विदेशी और लोग हैं ना, और फिर उसके बाद एक और पहल के साथ ये मॉल में भी खुलेंगी कई दुकानें, तो ये शुरू हो गया था उस समय। देखिए क्या प्रकाश जी, जो लाइसेंस की प्रथा है शराब की, उसको शासन द्वारा जो है जो चलाई जाती है, इसके अंदर जो है जो उनने जैसे कम से कम जिसके वो लाइसेंस रहता है वो तो कोई डर के करेगा ना। अभी तो क्या है, कहीं भी झुग्गी में चले जाओ, अवैध शराब बिक रही है, कहीं बन रही, कहीं कुछ हो रहा है, लाइसेंस में कम से कम एक लेबल तो लगा रहता है ना। बहुत बड़ी बात कही आपने। यहाँ सतीश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शराब को क्या अभी जिस तरीके से सिर्फ एक ठेके तक सीमित रखना चाहिए, या फिर इनको कर देना चाहिए कि फ्री फॉर ऑल कहीं पे भी रखो, जैसे पहले एक सरकार ने योजना बनाई थी किरानों की दुकानों पे भी शराब मिलेगी, बाबूलाल गौर जी जब जिस समय थे, वो तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपको लोगों की जान से खिलवाड़ करने की अपेक्षा ये कर देना चाहिए आपको फ्री फॉर ऑल, वो किराने की दुकान में जाइए आपको वहाँ भी अवेलेबल है, दूसरी दुकान में जाइए आपको वहाँ भी अवेलेबल है, होटल में जाइए वहाँ भी अवेलेबल है, और गांव वाला भी बेच सकता है, कोई भी बेच सकता है, वो एक चीज़ कर दीजिए आप। उससे क्या होगा, कम से कम कि ये अवैध शराब जो बनती है, जो जहरीली शराब बनती है, कम से कम इस पर एक अंकुश लगेगा। इस पे अंकुश जो है लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको शराब सस्ती करिए और फार हाल कर दीजिए, जो भी गरीब है गुरबा है उसको वो पी सके उसको, क्योंकि वो एक ये एक तरह से ये उद्योग में आ चुका है पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश में। यहाँ यहाँ तो दूसरी परिस्थिति चल रही है कि सरकार चाहती तो है कि शराब की बिक्री जो है वो बंद हो जाए, परंतु रेवेन्यू का जब मामला आता है तो फिर उन्होंने नहीं कहा। शराब तो बंद होना बहुत मुश्किल है, शराब कह देने को, कानून बनाने को, बना दे लागू कर दें, जैसे गुजरात में शराब बंदी है, क्या शराब वहाँ मिलती नहीं है, बिकती नहीं है, सवाल ये ना, वहाँ शराब वहाँ भी बिकती है, मिलती है, वो तो और ज़्यादा ब्लैक में मिलती बिकती है, तो ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है। फिर इधर आपका कहना, सरकार का कहना, कहना ये कि हमारे राजस्व आय का साधन है, जब आपके आय का साधन है तो इस आय के साधन को आप ये जो लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, आप इसको फार आल कर दीजिए ना, अभी सबके लिए अवेलेबल है, ये किराने की दुकान पे भी मिल जाएगी, जैसे गोवा के अंदर व्यवस्था है, वहाँ कहीं चला जाइए, वहाँ आप किराने के स्टोर पे जाइए तो वहाँ आपको शराब मिल जाएगी, और मेडिकल स्टोर पे जाइए शराब मिल जाएगी, होटल पे जाइए तो आपको वहाँ शराब मिल जाएगी, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, कोई मरता हो वहाँ। अच्छा, और वहाँ लोकल में जो है वो कच्ची शराब भी है, उसको भी उन्होंने लाइसेंस दे दिए कि आप बनाइए और सस्ती बेचिए, सवाल ये है ना साहब। तो अगर ये सस्ती चीज़, ये प्रथा अपने यहाँ भी शुरू हुई थी, आपने देखा होगा कुछ दुकानें खोली गई थी MB के नाम पर, और भोपाल में आपने देखा होगा कई जगह उसके स्टोर खोले गए हैं कि रेड वाइन वहाँ बेच रहे हैं वो लोग। तो ये जो शुरू हुई है प्रथा, सरकार क्या बीच में रुक गई, या फिर उसे लगा कि नहीं शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? नहीं, वो पॉलिटिकल असल में साहब देखिए क्या होता है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, कोई भी डिसीजन लेके कोई काम शुरू करती है उसका राजनीतिकरण हो जाता है, उसका विरोध से होना शुरू हो गया, या आप पूरे देश को जो है नशेला बनाना चाहते हो प्रदेश को, और उसकी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, सरकार ने हमने हाथ पीछे खींच लिए। सरकार तो बताइए संतोष जी, चूंकि विपक्ष में आपकी पार्टी है, अगर ये फ्री फॉर ऑल जैसी स्थिति बन जाए, या शराब के और ज़्यादा ठेके खुल जाएँ या दुकानें खुल जाएँ, कांग्रेस उसको पसंद करेगी या नकारेगी?
देखिए जब प्रकाश जी, इसमें क्या है कि फ्री फायर हाल की स्थिति जो सतीश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। फ्री फायर हाल में कम से कम कंपनी तो चिन्हित रहेगी ना, यहाँ तो अभी तो कुछ भी कहीं की बोटलिंग कहीं कुछ हो रहा है। और दो 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 नहीं, पर आपकी आपकी 15 महीने सरकार रही तो ठीक है, आपने प्रयास किए कर रहे थे या योजना बना रहे थे कि ऐसी और खोल दी जाए दुकानें महिलाओं के लिए अलग, आपने किया था और वो आपको वापस लेना पड़ा। तो मतलब आपके मन में भी तो है ये चीज़ जब आप सरकार में आए थे, पर जब विपक्ष में रहते हैं तब बोल नहीं पाते, या फिर आपको लगता है कि ये इशू है बना रहने दो, इससे भी राजनीतिक दलों को कमाई होती है। है प्रकाश जी की निश्चित तौर से जो है आपने जो प्रश्न करा है इसके अंदर कोई भी सरकार है चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, मेन क्या है सरकार का रेवेन्यू पे ध्यान देता है सरकार का। जो भी सरकार आती है उसकी चाहे मजबूरी के लो चाहे कुछ भी के लो वो ये चाहती है। लेकिन मेरा मेरा मानना ये है प्रकाश जी कि इसके अंदर एक जो भी मध्य प्रदेश में जो भी कंपनियां हैं कम से कम कंपनी चिन्हित हो, उनके मार्कर चिन्हित हो। अभी तो कहीं भी कुछ भी चल रहा है, कहीं मिलावट, तो इसमें मतलब एक माननीय कमलनाथ जी ने मिलावट के खिलाफ जो वो कर रहा था तो मिलावट का जो मेन मामला है शराब में मिलावट नहीं हो रही थी। नहीं शराब में मिलावट नहीं, कहीं मिलावट नहीं होना चाहिए, मेरा बात शराब की नहीं, मिलावट वाली बात जो है ना जो आज आज सरकार कर रही है। नहीं पर ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों में ये ऐसा क्यों है, घोषणा पत्र में कुछ कहते हैं करते कुछ है। आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 2018 विधानसभा का, तो उसमें कहा था कि आप शराबबंदी की ओर जाएंगे, आपने और दुकानें खोलने की बात करी। अब इनकी सरकार आ गई बीजेपी की, तो इन्होंने कहा हमने तो बात ही नहीं करी बंद करने की, और तो और बढ़ाए चले जाएं या नहीं भी करें एक ही ठेकेदार को दे दें, ये भी एक परंपरा बना दी इन्होंने। एक ठेकेदार को देना क्या प्रकाश जी, निश्चित तौर पे जो है एक उस पे जो है अंकुश लगाना है, उससे क्या है बहुत गलत परिणाम होते। एक ठेकेदार के देने के कारण ही पूरे मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो गई, और जो आज जो आसपास के जो गांव के एरिया हैं वहां पे जो है तो महंगा तो होना ही चाहिए ना, महंगी होगी तो पिएंगे कहाँ। प्रकाश जी का महंगा होना और पीना, देखो नशेला जो लेगा वो तो घर बेच के पिए कहीं भी पिए, उसका काम तो पीना है। कितनी महंगी कर दो, आप सुबह चले जाओगे तो आदमी ब्रश करने के पहले कलारी के सामने खड़े मिलेंगे आपको, कहीं भी आप सर्वे करा लेना। तो वो जो शराब का जो मेन जो वो व्यापार है ना उन्हीं से तो चल रहा है, जो घर बेच के कपड़े बेच बच्चों के पूरे वो कर दिया, तो शराब का तो टोटल गलत वो है इसके अंदर। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों भाई, बिहार है गुजरात है इन्होंने शराबबंदी लागू की है ना आखिरकार। ठीक है रेवेन्यू कम होगा, पर जो व्यवस्था है वो ये तो रहेगी कि हाँ महिलाएं बच्चे परेशान तो नहीं होंगे इसकी वजह से। निश्चित तौर पर जो बिहार में है चाहे गुजरात में, प्रकाश जी कह रहे थे अगर आप कहीं भी चले जाइए बिहार गुजरात में हर जगह आसानी से शराब उपलब्ध हो रही है, होटलों में हो रही, सब जगह हो रही। वहाँ पे क्या है मेन कारण कह रहे थे कि सरकार के पास नहीं आके राजस्व वहाँ के छुटवाइए नेताओं के पास जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये सतीश जी, ये भी जो है बंद करना और उसके कार्रवाई करना। मैं तो बोलो ना इस मामले में शराबबंदी को लेके कोई भी सरकार उसको ऐसी कार्रवाई कर दो दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाए बेचने की। यहाँ तो क्या टारगेट बना देते हैं, हमने कहा था फलाने को निपटाना है फलाने को ठेका देना है तो उसको खत्म कर दो। अभी आपने सैनिटाइजर के नाम पे कितने करोड़ों रुपए वो खा गया तो उसको वो कर दिया, बाद में उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। बिल्कुल सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या विभाग के जो अधिकारी रहते हैं वो वाकई ईमानदारी से राजस्व के ही प्रति ये काम कर रहे हैं या अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। नहीं उनको राजस्व किससे कोई लेना देना नहीं है, राजस्व तो देखिए वो जानते हैं कि भाई मार्केट में दुकानें खुलेंगी, जो शराब पीने वाला व्यक्ति वो शराब खरीदेगा राजस्व आएगा। उनका जो इंटेंशन होता है, उनका जो उद्देश्य होता है वो तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है, और वो उस तरह की जो है पालजी बनवाते हैं सरकार में रह के जिससे कि नहीं। पर जैसा आप देख रहे हैं रेवेन्यू की बात सरकार करती है, पर यहाँ देखिए सोम डिस्टिलरीज पे कितना पैसा बकाया है, कितना करोड़ों रुपए बकाया है। अभी एक भोपाल में भी एक उदाहरण देखने को मिला होगा, इंदौर में भी आपको देखने को मिला होगा कि इंदौर में एक आबकारी अधिकारी था संजीव दुबे, उसने तो 42 करोड़ का घोटाला कर दिया फर्जी ड्राफ्ट ड्राफ्ट वाले मामले में। यहाँ भी भोपाल में भी तो हुआ था फर्जी ड्राफ्ट का मामला है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के प्रति प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी विशेष मेहरबान होते हैं कि अच्छा है घोटाला करेगा तो अपन को पैसे देगा ऐसा बस सर। हाँ हाँ अधिकारी लेवल पे ही होता है ना सर, अधिकारी चाहते हैं हमें तो पैसा मिलना चाहिए सरकार का, जो कुछ भी हो तो होता रहे, और उसी लिए ये सब घोटाले घपले होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि शराब क्या एक दिन में बन रही है, कच्ची शराब भी या जहरीली शराब एक दिन में बनती है क्या?
इसके लिए भी साधन जुटाना पड़ते हैं ना, ड्रम खरीद के लाओ तो ये लाओ तो वो लाओ, तो ये बिगर प्रशासन के मूवमेंट की जानकारी की और ये सब हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऊपर छोटे इलाके जगह में आप मुझे बताइए, गांव खेड़े में कस्बे में तो हाँ, अगर कोई नया बाहर का आदमी आता है तो पूरे गाँव वालों को मालूम हो जाता है कि छब्बू लाल जी इनके गाँव में इनकी घर पर आने घर आए थे खाना खाया था। प्रशासन को तो सब जानकारी रहती है, अब प्रशासन की जानकारी में ये सब कुछ होता है। अब तो ये कहिए दुर्भाग्य से कि ये घटना घटित हो गई, वरना ये कितने दिन चला रहा था, इसकी जांच भी होना चाहिए। अब कांग्रेस ने भी एक कमेटी बना दी है 6 लोगों की, वो भी जा रहे हैं, वो भी इसकी जांच करेंगे। सवाल ये नहीं है, ये जाँच करने से या कमेटी बनने से या ट्रांसफर होने से ही इसका समाधान नहीं है, इसका एक शासन पर एक एक्शन तो लिया है, एक्शन लिया है आपने, एक्शन लिया है, उससे संदेश तो ये गया है, एक मैसेज गया है। एसपी सिर्फ ये सोच के काम ना करें कि बस नौकरी कर रहे हैं, शिवराज ने ये तो कम से कम संदेश दे दिया है कि नहीं काम नहीं करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं नहीं ये तो किया, जैसे अब ये उन्होंने एक्शन जो लिया, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए कायदे से कि भाई आप लोगों की लापरवाही की वजह से 23 जाने चली गई, आप अंदाज लगाइए। इनके ये बहुत छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत गंभीर मामला है। अच्छा वो फिर इसी प्रदेश में अभी आपके दूसरे शहर में इस तरह की घटना हो चुकी थी, उससे भी आपने सबक नहीं लिया। उज्जैन में इस तरह की घटना घटित हो गई थी, आपने उससे भी कोई सबक नहीं लिया। महाराष्ट्र में भी एक बड़ी घटना हो चुकी थी, आपने उससे भी सबक नहीं लिया। तो प्रशासन सजग हुआ ही नहीं, सबक लिया ही नहीं। आप खुद जो है आपने प्रशासन को, भाई पुलिस के पास तो मुखबिर तंत्र होता है ना साहब, उनके पास तो पल पल की सूचना होती है। नहीं पर आबकारी विभाग उनके अधीन नहीं आता ना पुलिस के, आबकारी विभाग भी, आबकारी विभाग जो है उसका काम जो है, उनका काम भी बिल्कुल पैरेलल पुलिस की तरह है साहब, वो भी वो है। पर जिले में तो सीधे सीधे कलेक्टर के अंडर में आता है ये विभाग, आबकारी विभाग उनके अंडर में, पुलिस के अंडर में तो नहीं। वो तो ये है कि एक उनको अधिकार मिले हुए हैं कि अवैध कहीं शराब मिले तो आप कार्रवाई करें। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें कलेक्टर जो नाम की संस्था है वो वाकई ईमानदारी से काम करती है कि नहीं हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, या वो भी कलेक्टर जैसे ही बना जिले का उसने कहा आन दो इधर से भी महीना। ये आबकारी हमने ये जो एम्बेसडर कार में उन्होंने आप 40 बाटलें पकड़ ली और 80 बाटलें पकड़ ली और ये ट्रक जो पकड़ लिया और ये कौन करता है? ये आबकारी हमला ही करता है ना, और आबकारी हमला भी बिगर मुखबिर के करता है क्या? क्या हर एक गाड़ी को चेक करते हैं आबकारी वाले? उनको तो टारगेट दिया जाता है, उनको मालूम पता फलाने गाड़ी में शराब जा रही है भैया तुम पकड़ लो, उन्होंने पकड़ के थाने में जाके जमा कर दिया, 80 क्वार्टर बरामद किएगा इस दिन से अवैध शराब का ये परिवहन कर रहे थे। तो कुल मिला ये कि बिगर आबकारी विभाग की जानकारी के, बिगर पुलिस प्रशासन की जानकारी के ये काम हो संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और अब चूंकि बात ये भी उठ रही, जैसा मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष के रूप में सशक्त नहीं है, तो बीजेपी को ही विपक्ष के रूप में आना होगा और उन कमियों को दूर करना होगा जो 2018 के चुनाव में देखने को मिली, और अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे वोट बैंक भी बढ़े और साथ साथ ये प्रतिष्ठा बने कि हाँ सुशासन दिख रहा है। अब कांग्रेस में अभी सबसे बड़ा संकट तो कांग्रेस में ये आ गया कि अब नेता प्रतिपक्ष भी वही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहेंगे, अब अभी नई जान फूंकने की आवश्यकता है कांग्रेस में, तो अब उसके लिए कोई पहल प्रयास किए नहीं जा रहे हैं। अब वही सब सिस्टम एक चल रहा है। अब आपके यहाँ से एक बड़ा नेता चला गया तो उसका जो वैक्यूम है, उसका जो खालीपन है, उसका जो सूनापन है, उसको भरने के लिए आपने क्या प्रयास किया? आप सारे पुराने लोगों को संगठित ही नहीं कर रहे, आप उन लोगों को लाते ही नहीं हो जिन 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 चेहरों को मध्य प्रदेश की जनता आवाम जानती है, उनको आपको एकत्र करना चाहिए, उनको आपको काम जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। सरकार तो जो कुछ कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपने घर बैठी हुई है। भाई कांग्रेस पार्टी का काम ही है, ये महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल कहाँ चला गया, इसके लिए कांग्रेस ने कोई आवाज़ उठाई क्या? इसके लिए अब आज आप ये मर गए 2023 के लिए आज बात कर रहे हैं, पेट्रोल 92 रुपये हो गया। यही बीजेपी के लोग जब कांग्रेस बढ़ाती थी पेट्रोल के दाम तो उसके लिए हाय तो मचाते थे, आज गैस देख लीजिए आप 700 रुपये की हो गई। तो ये इसके लिए किसको आवश्यकता है? कांग्रेस को आवश्यकता है। अब कांग्रेस ना जिला स्तर पे कुछ करती, ना प्रदेश स्तर पे करती, ना कोई धरना आंदोलन करती, कांग्रेस कुछ करने को तैयार ही नहीं है, कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही परेशान है। यही बात तो मुरलीधर जी ने कही है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, बीजेपी को अपने आप में सुधार करना होगा, वोट बैंक भी बढ़ाना पड़ेगा और कांग्रेस को सत्ता से दूर भी रखना होगा, कई चुनौतियाँ हैं वो ऐसे ही आएंगी। नहीं देखिए बीजेपी का जो मिशन है वो तो उनका तरीके का चलता है, एक बात समझ लीजिए आप,
बीजेपी जो है वो ऑपरेट होती है संघ से, पार्टी दल जो है ये कोई डिसीजन नहीं लेता। मुझे आप बता दीजिए कि बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं, इनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया, आप जरा मेरी बात समझना, वो संघ के लोग हैं सब, और उनमें से किसी एक ने खुल के कोई बगावत नहीं की, ना पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में तो इतने लोग छोड़ के और बाहर आ गए थे। कुल मिला के ये कि वहाँ एक अनुशासन है और एक उनका एक सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा है, इसलिए वो आगे करेंगे ऐसा। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी कि सीएम ने तो चलिए एक बड़ी कार्रवाई कर दी और कलेक्टर एसपी को भी दंडित कर दिया है ट्रांसफ़र करके, अब जो निचला स्तर का अमला था उसे सस्पेंड भी कर दिया, पर बात यहाँ कांग्रेस की उठती है कि कांग्रेस इस तरीके की बातों को जमीनी स्तर से उठाती क्यों नहीं है? प्रकाश जी, निश्चित तौर पर जो है चारों तरफ मध्य प्रदेश में जब से हम विपक्ष की भूमिका में आए हैं तो हम अपना आकलन यही कर रहे हैं कहाँ क्या कमियाँ हैं, उस हिसाब से जो है सब जगह किया जा रहा है। प्रकाश जी बोल रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो अभी हर जगह पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये जो हमारी जो जो भी जहाँ पे जो कमी है, जो जहाँ पुनर्गठन का काम चल रहा है, सब जगह जो है कार्यकर्ता सब आपस में मिल के जो है आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और विपक्ष की भूमिका में हम रहे तो उसके निश्चित तौर पे अच्छे से निभाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि अभी समय है तो जो मतलब अभी भी चल रहा है सब जगह काम, अभी आपने देखा किसानों के मामले में सब जगह अरुण यादव अजय सिंह जी चारों तरफ से जो कर रहे हैं, और अच्छा वो कहे हमारा निश्चित तौर पर पेट्रोल महंगा हो गया है। चलिए ठीक है, विषय पर हम यहाँ रहे और वाकई इस चर्चा का सार भी यही था कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, परंतु और पहले ये कार्रवाई हो जाती तो शायद उज्जैन के बाद मुरैना कांड रिपीट नहीं होता। और एक बात यहाँ और भी निकल कर आ रही है कि क्या खाली ट्रांसफ़र करने से ही आईएएस आईपीएस अफसर सुधर जाएंगे, या फिर उनके प्रमोशन में ये बात लिखी जानी चाहिए कि इनको किस वजह से जिले से हटाया गया है, ताकि अगला प्रमोशन उनको ना मिले या मिले तो वो शर्त के साथ मिले कि उन्होंने जो गलती की है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरी बात ये भी कि 24 लोगों की जान जाती है तो निसंदेह ये जो व्यापार है वो कोई एक व्यक्ति तो नहीं चला रहा होगा, कई लोग मिलकर चला रहे होंगे, उसमें बीजेपी भी होगी, उसमें कांग्रेस भी होगी या नहीं भी होगी, पर सवाल यही है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाह खबरें तब जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सर।